कश्मीर जो है वो बरसा बरस से एक टेररिज्म का हब बना हुआ है, जहां टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान की एजेंसियों ने, पाकिस्तान ने कायम किया हुआ है फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑन द अदर पार्ट ऑफ कश्मीर। तो सो ये लॉन्चिंग पैड है और यहाँ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, यानी समझता क्या हूँ बल्कि हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हैं कि पाकिस्तान ने अपनी उन पॉलिसियों को नहीं बदला है, ये जस्ट इनके दावे हैं, अखबारी बयानात हैं या टीवी और अखबारात के अंदर बयान करते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी को मुतमाइन करने के लिए, उनकी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो है वो तमाम तंजीमें, जो प्रिस्क्राइब तंजीमें हैं, वो दे आर वेरी मच एक्टिव, दे आर वेरी मच इंटैक्ट एंड दे आर ट्रेनिंग कैंप्स आर रनिंग देयर अंडर द पैटर्नेज ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ काउंसलर, आजाद कश्मीरी काउंसलर इन लंदन, ही टेक्स्टेड मी अर्ली ऑन एंड सेड दैट समबडी फ्रॉम हिज विलेज इन नीलम ही इज बीन टेकन abducted by ISI. He clearly said ISI has taken him, and for 5 days we don't know where he is, and we hope that he will be safe, and maybe he becomes one of those missing persons. So if with that kind of environment, with that kind of situation, how could you expect people to speak against the agencies, and also these fundamentalists who are roaming around? You know, these groups they've got a license to intimidate and frighten people, and if need be, kill them. And I'm really, telling you the truth. There's nothing to hide. And with now new government in Pakistan, situation is going to get from bad to worse, because Imran Khan, although he's been to Oxford, but by going to Oxford doesn't make any difference. Yeah, the man inside, or the thinking inside, has got from bad to worse.